स्वागत है आप सभी का नई रिएक्शन वीडियो में। आज जो रिएक्शन होने वाला है वो है डार्लिंग, जो ऑफिशियल टीजर आया हुआ है आलिया भट्ट का और शेफाली शाह, विजय वर्मा, रोशन मैथ्यू, तो नेटफ्लिक्स के ऊपर आया हुआ था। ये नेटफ्लिक्स का ही प्रोजेक्ट है कुछ, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो, उसके बाद थोड़ी बहुत इसके बारे में बात करेंगे। बिच्छू ने मेंढक से पूछा, ए मेंढक, मेरे को प्लीज नदी पार करवा देना। मेंढक बोला, पर तूने मुझे काट लिया तो? बिच्छू बोला, अरे तू मैड है क्या? अगर मैं तेरे को काटा तो हम दोनों डूब जाएंगे। तो मेंढक ने बिच्छू को अपने पीठ पे बिठाया। काफी यूनिक सोच है। बकवास कर रहा है कि वो बकवास कर रहा है। पर तैरते तैरते जैसे ही नदी के बीच में पहुंचे, हमजा का है, बिच्छू ने मेंढक को काट लिया। कौन? ओहो। मेंढक ने पूछा, तूने मुझे क्यों काटा? बिच्छू बोला, काटना मेरी फितरत है। स्टार्टिंग से ही आपको गलत फहमी हो रही है सर। गलत फहमी? हाँ साहब, सिर्फ ख्यालों में मारा था। किसमें? ख्यालों में साहब। ख्यालों में? मेरे माथे पे क्या लिखा हुआ? देख रहे हो? मिट्टी हो रही है। तो रेड चिल्ली ने भी इसके अंदर प्रोड्यूस किया है, जिसमें अपने जो गौरी खान है वो है, आलिया भट्ट ने खुद ने प्रोड्यूस किया है इसके अंदर। मतलब आजकल क्या हो गया है, जो एक्टर या एक्ट्रेस है तो वो भी प्रोड्यूस भी कर रही है, क्योंकि ऐसा भी इतना हो गया आखिर आखिरकार। हालांकि कॉन्सेप्ट थोड़ा यूनिक सा लगा ना, तो थोड़ा साइको टाइप का, और ये रोल शायद या तो आलिया भट्ट का ही होगा। मतलब इसके अंदर जो भी इर्द गिर्द घूम रहा है, मारना करना, वो सब शायद आलिया भट्ट हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब पूरा खुलासा जब पूरा ट्रेलर आएगा तब पता चलेगा। ओवरऑल मतलब धांसु वाला टीजर था, और नेटफ्लिक्स की एक खासियत है, नेटफ्लिक्स अच्छे से अच्छा प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं अभी। मतलब रिसेंट में देखो ना आप, जितने भी वीडियो मतलब मूवी वगैरह या फिर कोई वेब सीरीज आ रही है, तो मतलब धांसु आ रही है वो हर चीज़ है ना। मतलब हर चीज़ के अंदर एक क्रीम दे रही है ये, चाहे मतलब अगर तुलना की जाए कंपेरिजन में जैसे डिजनी हॉट स्टार और इनकी, तो अमेजोन प्राइम और नेटफ्लिक्स तो दोनों टक्कर में है। नेटफ्लिक्स भी काफ़ी अच्छा दे रही है क्रीम इसके अंदर। तो टीजर के अंदर थोड़ा सस्पेंस सा रखा इन्होंने, और जो इनका प्रेजेंट करने का जो तरीका था ना, वो काफी यूनिक है। बिल्कुल, इसी वजह से ये 8वें नंबर ट्रेंडिंग कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, थ्रिलर टाइप का कुछ लग रहा है इसके अंदर, ऐसी खुशबू आ रही है कि ये जरूर थ्रिलर वाली होने वाली है। और आलिया का रोल, मतलब आलिया चैलेंजिंग रोल कर रही है एक तरह से, मतलब देखा जाए तो ब्रह्मास्त्र उनके अंदर अलग रोल है। इधर RRR मूवी आई थी, ठीक है, इसके अलावा जो अभी गंगूबाई आई थी, इनका काफी स्ट्रॉन्ग। बिल्कुल 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 बिल्कुल, तो काफी चैलेंजिंग रोल भी कर रही है और अच्छे से निभा भी रही है वो। संजीदा बिल्कुल कलाकार है और काफी अच्छे रोल कर रही है। तो ओवरऑल कैसा लगा आपको डार्लिंग्स जो टीजर है वो, कैसा लगा आपको ये रिएक्शन, कैसा लगा और आलिया की एक्टिंग भी कैसी लगी जरूर बताना। लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।